ओम शांति। आज 5 अगस्त 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो, बाकी सारे धंधे छोड़, क्या करो, रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है, क्या है सबसे अच्छा धंधा? बाप का परिचय। और बाप और वर्षे को याद कर, बाप और वर्षे को, क्या मतलब है बाप और वर्षे को याद करना? बाबा की श्रीमत पर। परसों की मुरली में कितनी वंडरफुल लाइन थी, हाँ जी, एक और बड़ी मतलब हुई बात थी, भट्टी, क्या था याद की भट्टी में? जब आप बाबा की याद में हो तो आप भट्टी में हो, और जब आप याद में नहीं हो तो आप भट्टी में नहीं हो। आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो तो भट्टी है, आप माउंट आबू जाके 4 दिन 5 दिन भट्टी करने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई भट्टी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे, सुधारना ही तो है, सुधरना ही तो है, बस बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, 24 घंटे भट्टी में हैं। और यदि हम किसी और का कहना मान रहे हैं तो हम भट्टी में, बाकी सब खोटे धंधे। बाबा की श्रीमत पर चलना यही एक सबसे अच्छा धंधा है, बाकी सब क्या है? खोटे धंधे। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए, जानने की इच्छा, ये जानूं ये करूं, वो कौन सी होनी चाहिए? कैसी हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें? अब ये किसके किसकी बुद्धि में आएगा? जो स्वयं सुधरा होगा, जो खुद बिगड़ा हुआ होगा, उसके मन में आएगा कि मैं औरों को भी सुधारूं? नहीं आएगा। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बता दो, ये केवल और केवल उसी की बुद्धि में आएगा जिसके जीवन में, खुद के जीवन में सुख आया हो। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। मुझे बाप का सच्चा परिचय मिला है, मेरे जीवन में सुख आया है, मैं भी सबको बाप का सच्चा परिचय दूं ताकि उनके जीवन में भी सच्चा सुख आ जाए। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए, ये इच्छा, ये श्रेष्ठ इच्छा तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। गीत, भोले नाथ से निराला और बिगड़ी को बनाने वाला और ओम शांति। भोला नाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं, बाबा खुद भी कहते हैं ओम शांति, और बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे भी क्या कहते हैं? ओम शांति। विषय के नाम ओम शांति बाबा ने दिया, वास्तव में ओम शांति बोलना बाबा को किसने सजेस्ट किया था? ब्रह्मा बाबा, उसका नाम याद नहीं है, जयंती बहन की माता जी, जयंती बहन की माता जी। इससे पहले क्या होता थे, सारे अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते थे,
कुछ भी माने शिवा, हम आए थे तब भी शिव बाबा याद बोलते थे, मतलब शुरू में पहली बार ओम शांति कहने के लिए उन्होंने कहा कि ये सब अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि हर अलग अलग फैमिली से, कोई राधे कृष्ण तो कोई शिव, कोई राम राम तो कोई कुछ बोलते थे। तो ये बाबा ने, उसने कहा, बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा, तो तब से ओम शांति कहना शुरू हुआ। ये अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांति धाम की, हमारा बाप भी वहां रहने वाला, हमारा बाप भी कहाँ का रहने वाला है, भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं, बल मनुष्य गाते हैं परंतु रावण मत, गाते हैं परंतु किस पर, रावण मत पर, रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है, पांच विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण राज्य, पांच विकारों को मिलाकर क्या कहते हैं, रावण राज्य। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का वे बिगाड़ते हैं, वे बनाते हैं, वो बिगाड़ते हैं, वो बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता, परंतु दिखाते हैं पांच विकार पुरुष के, पांच विकार स्त्री, पांच विकार पुरुष के और पांच विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है, तुम जानते हो पांच विकार हमारे में भी थे, पांच विकार हमारे में भी थे, हम भी तो ऐसे ही थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं, जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए, यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बना। सबके सारे दुखी है, सारा संसार दुखी है, जाके पुतिन को समझावे, परंतु ड्रामा में नहीं है। सब मनुष्य मात्र एक दो को बिगाड़ते रहते, बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप। तो जैसे तुम सुधरे हो वैसे तात लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें, दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वे सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं, बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए, कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं, दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन, फिर भी वो हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं, बहुत दुखी अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, मंदिरों में जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत है जो अभी भी अंधविश्वास में शिव के मंदिर में बहुत जाते, क्योंकि बेचारे अंधे हैं, अंधविश्वास में जाएंगे उनको क्या पता किधर जाना है, उनके अंधेरे में रोशनी लाने का काम तो आपको करना है, तमसो मा ज्योतिर्गमे करना है। अंदर में कोई ना कोई आश रखकर वो जाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं, उनके मन में कोई ना कोई आश होती है। ये नहीं समझते कि शिव हमारा बाप, शिव हमारा, समझ ले तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर वे मांगने नहीं जाएंगे,
फिर तो वो अधिकारी है ना, फिर तो बाप को चिंता कि मैंने बच्चों को क्या देना है, वो भिखारी से क्या बन जाएंगे, अधिकारी। तो ये आपको बनाना है, भिखारी से उन्हें अधिकारी, ये आपको बनाना है, भिखारी नहीं बनाना। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करने क्यों जाते हैं, ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ब्राह्मण लोग सन्यासी, चलो तुम्हें तीर्थ यात्रा करा के लाए, पंडे बन के ले जाते हैं। ये है भक्ति मार्ग का धंधा, उनकी रोजी रोटी का जरिया। इससे तो सुधरेंगे नहीं, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वे विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता, लेकिन खुद नहीं बनता, खुद मालिक नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वे ऊंच, वो ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे, जिनको सर्विस की उत्कंठा होगी ना वो एक जगह नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, फिर घूमते रहेंगे गांव गांव, कॉलोनी कॉलोनी, कहां कहां जा जा करके सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती, पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अपना दो रोटी बनाओ, बैग में डालो और सारा दिन काम करके आ जाओ। क्या करना है, क्या करना है, पैसे जहां बैठो वहां सुनाओ, जहां जाओ वहां सुनो। वो लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर, हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है, सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया। ये तो रावण का राज्य है, सब दुखी हैं। ये बात तुम सभी को समझा सकते हो, पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं, बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। बड़े आदमी क्या कहेंगे, हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी रहे हैं, समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते हैं, लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा, अभी क्या है, टाइम बाकी थोड़ा है, राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है, रात दिन फुरना रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाएं, कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों को ये दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर हैं, बाप तो बाप है, बाप तो बाप है, जो बच्चों को आकर
क्या करते हैं? वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, क्या कहता हूं? सच कहता हूं। परंतु बोलते क्या हैं? अगर वे सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हो? यदि भगवान सर्वव्यापी है फिर मंदिर में क्यों जाते हो? किसकी प्रार्थना करते हो? उनको कुछ भी पता नहीं। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को, जगाओ। सारे सोए हुए हैं क्या? अज्ञान नींद में सोए हुए, अंधेरे में भटक रहे हैं। कौन अज्ञानता की नींद में सोए हुए को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो, जरा भी गुस्से का कतरा भी। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा, जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं। शौक भी तो चाहिए ना, क्या चाहिए? शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर कहें कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। परंतु बोलते ही नहीं, बाबा को जाकर बच्चे कहते ही नहीं है कि हम सर्विस में जाएं। बच्चों का धंधा ही है, क्या है धंधा बाप का? क्या है रूहानी धंधा? सबको बाप का परिचय देना, बाप और वर्षे को याद करना, सच्ची गीता सुनाना। धंधा क्या है आपका? सच्ची गीता सबको सुनानी, अक्षर ही दो सुनाने। कौन से हैं वो दो अक्षर? अलफ और बे, बाप और वर्षा। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है, पहली बात ही ये है। क्या है पहली बात? परम पिता परम आत्मा से आपका क्या संबंध? उनको समझाना है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ हो, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी, परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं, बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाप को कहते ही हैं रहम दिल ब्लिसफुल। तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना, इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है, इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल तो पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्यों को टच होगा कि ये बात तो बड़ी अच्छी, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, ये भी लिख दो स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो। आकर समझो, बहुत सहज बात है, सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ,
ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। क्या एडवर्टाइजमेंट डालो? हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे। भगवान आकर फिर से सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, आओ आकर। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो आओ आकर गीता का ज्ञान। एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए तो आकर गीता का ज्ञान। कहेंगे पता तो निकाले कि ये क्या समझाते हैं। जब वो बोर्ड देखेंगे ऐसे तो सोचेंगे कि पता तो निकाले कि ये क्या समझाते हैं। ये भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्त जीवन मुक्ति पा सकते। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस पहेली को सुलझाएंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। परमात्मा कौन है, गीता ज्ञान दाता कौन है, इस पहेली को सुलझाएंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। वो भी कितनी देर में? एक सेकंड। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है, अगर अपनी जीवन बनानी है तो क्या करो, सर्विस करो, सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं, यहां तो सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वान प्रस्त अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा है ये। क्या है ये धंधा? गीता का ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान सबको। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं सारा दिन, वे खोटे हैं, वे सब खोटे हैं। बनाते रहो रोटियां, करते रहो पोचे लगाते रहो, मकान बनाते रहो, इधर उधर की कहानियां सुनाते रहो, सब बेकार। दिन तो बीत ही जाना है, दिन तो बीत ही जाना है। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को। 24 घंटे भट्टी में रहो, कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले सकते, ले रहे हो, जितना हो सके बाप को याद करो, जितना हो सके बाप को। बस और कुछ करना है? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। नंबर दो, मौत सामने खड़ा, मौत वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करो। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। आज का वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान।
और देह अभिमान का अंश भी ना रह जाए, थोड़ा सा भी देह अभिमान का अंश भी कोई है उसको भी क्या करो, स्वाहा कर दो, तब बनेंगे महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश, छोटा सा भी वंश कोई बचा हुआ होगा तो देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई। उस टाइम तो लगेगा कि मेरी विजय हो गई, परंतु बहुत काल की उसमें क्या मिलेगी, हार समाई हुई है। श्लोक, इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। ये भी जीवन बंधन, यदि आपकी इच्छा तो नहीं है परंतु वो अच्छा लगता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो ये भी जीवन बंधन है। जीवन बंधन माना नर्क, जीवन बंधन माना नर्क। जो मिल गया मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ये अविनाशी ज्ञान परमात्म ज्ञान है। ये अविनाशी ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान है। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब क्या है, इस अविनाशी ज्ञान का मतलब क्या है, जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई बिरला ये ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है, सब नहीं ले सकते। ये तो हम जानते हैं ये ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनाते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, विद्वान आदि दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना, वो लोग नहीं कहेंगे। गीता में लिखा है मन मना भव, परंतु मन मना भव का अर्थ वो समझते ही। मन मना भव का अर्थ है बस, क्या है मन मना भाव का अर्थ, हाँ जी, बाप और बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, ठीक है। मन मना भाव का अर्थ क्या है, मेरे साथ योग लगाओ, मतलब अपने मन को बैठकर जो मैंने समझाया वो अपने आप को बैठकर समझाओ, मनन चिंतन करो। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहा जाता है, राजयोग, योगों का राजा। जितने भी योग दुनिया में सिखाए जाते हैं उनमें ये सब योगों में राजा है। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना क्या है, ज्ञान लेना अर्थात क्या देना पड़ेगा,
ज्ञान मिलेगा ही तब क्या देना पड़ेगा, पांच विकार देने पड़ेगा। मुश्किल बात है, कैसे दे देवे? थक से जीते जी मरना पड़ेगा, पांच विकार ही नहीं। हाँ, मरोगे तो ज्ञान मिलेगा, बिना मरे ना मिले। थक से वो भी जीते जी, एक ही थक से जीते जी मर जाना, ये है फीस, ये है। कबीर कबीर ने भी लिखा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, परंतु वो इसका अर्थ नहीं समझ पाए। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा। गुरु जी को बुला लो या चले जाओ, 10-20 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया मथा टेको और कथा सुन लो, उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी जो करना है वो अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। फिर नहीं कहना कि मौका निकल गया। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? तीन तीन है, डबल नहीं है। परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? मातेश्वरी जी के परम पिता परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं, अब परमात्मा सत क्यों कहते हैं? परमात्मा को सत क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अविनाशी इमॉर्टल है, वो कब असत नहीं होता, वो अविनाशी भी है और इमॉर्टल भी है, वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं, चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। इसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। बाबा क्या है? नॉलेजफुल है और पीसफुल है, वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं, भले वो अजन्मा भी है। परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो हम आत्माओं माफिक जन्म नहीं लेता है। परम आत्मा को भी ये नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है, किराए पर ब्रह्मा तन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है, कौन चैतन्य है? ब्रह्मा। तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं, और फिर परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। वो सत्य है, उसका हाँ चैतन्य है और आनंद स्वरूप। तो ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुखदाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? दुख हारता सुख करता। वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं, तो फिर हम आत्माओं को वो दुख कैसे दे सकते हैं? हम आत्माओं को
वो दुख कैसे दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा परमात्मा चला रहा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य क्या हैं? अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा, ये ड्रामा अनादि बना बनाया है और इसे चला कौन रहा है? परम आत्मा चला रहा है। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के हाथ कुछ नहीं, मनुष्य के हाथ कुछ नहीं है, जो भी करता है वो परमात्मा करता है। करण करावन हार स्वामी, करण करावन हार कौन है? स्वामी। गीता मेरे सतगुरु, सब कुछ परमात्मा ही करता है। जब ये कहा सब कुछ परमात्मा करता है तो फिर कह दिया पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना हिल नहीं सकता। मुसलमान भाई भी क्या कहते हैं? इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहां जाएगी? अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को ये समझाना जरूर है कि ये अनादि बनी बनाई बन रही ये सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? करण करावन हार फिर ये कौन सी हस्ती है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है वैसे ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है कि वो वृक्ष बना सकता है, बीज में गुण है कि वो पेड़ बना सकता है, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज, वृक्ष बीज भी बनाएगा, बीज वृक्ष बनाएगा और वृक्ष क्या बनाएगा? बीज भी बनाएगा। दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी हैं, बीज पहले कि पेड़ पहले? दोनों अविनाशी हैं, बीज भी हमेशा होता है और पेड़ भी हमेशा होता है, अंडा भी हमेशा होता है और मुर्गी भी हमेशा होती है। अंडा पहले या मुर्गी पहले, बीज पहले या पेड़ पहले? दोनों अविनाशी, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न ही नहीं हो। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना, परमात्मा का पार्ट है बीज बोना।
परमात्मा ही कहता है मैं परम आत्मा हूं, ही तब, मैं परमात्मा ही तब हूं जब बीज बोता, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि हैं। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? बीज बोने का काम तो मैं करता हूं। कौन सा काम करता है बीज बोने का? ज्ञान का बीज सब आत्माओं में बोने का काम शिव बाबा। मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य, मैं कार्य करूंगा परम तभी तो परमात्मा, क्योंकि जो धर्म के काम करेगा वो धर्मात्मा, जो पुण्य का काम करेगा वो पुण्य आत्मा, जो पाप करेगा वो पाप आत्मा। तो परमात्मा कब? जब वो परम कार्य। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पारदारी बन बीज बोता हूं, सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं, आदि करता हूं, बीज बोने समय फिर अंत का भी बीज आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता। बीज का मतलब है रचना करना, बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनका अंत करना, पुरानी सृष्टि का अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? परम आत्मा। परम आत्मा सब कुछ करता है, परम आत्मा सब कुछ करता है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।